जब रियल हीरोज पे मूवी बनती है तो गर्व से सीना हमारा चौड़ा हो जाता है। ऐसी ही एक मूवी आने वाली है सैम बहादुर जी, जो कि 1 दिसंबर को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आ जाएंगी। और इस करेक्टर को निभाने वाले हैं विक्की कौशल जी, जो कि अपने एक्टिंग के दम के लिए जाने जाते हैं। आपने चाहे उनकी उरी मूवी देखी हो, चाहे संजू मूवी देखी हो, ऐसे वो अपने करेक्टर के साथ डिटेलिंग में काम करते हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज उस तरीके से कैरी करते हैं और उसी तरीके से बोलते हैं, वैसा ही उनका करेक्टर दिखने वाला है सैम बहादुर जी में, जो कि उनका लुक भी परफेक्ट वैसा ही लग रहा है और उन्होंने जो अपनी बॉडी लैंग्वेज कैरी की है, जो बोलने का तरीका है, वो एक तरफा है। और ट्रेलर देखकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया है, क्योंकि इसको डायरेक्ट भी कर रही है मेघना गुलजार जी, जिनकी आपने मूवी देखी होगी राजी और छपाक। वो बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग में और आराम से काम करने वाली डायरेक्टर है। तो ये मूवी के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि जब रियल हीरोज में मूवी आती है तो उन्हें देखने का मजा ही कुछ और होता है। अगर आपको सैम बहादुर जी के बारे में नहीं पता, तो थोड़ा बहुत उनके बारे में मैं बता देता हूं, क्योंकि थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने उनके ऊपर की है। जो कि प्लान बनाते थे कि सेना कैसे अटैक करेगी, कहां जाएगी और कितने लोग जाएंगे अटैक करने के लिए। जो पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हुई थी, तो 13 दिन में ही पाकिस्तान आर्मी को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था। इससे पहले वो वर्ल्ड वॉर 2 में भी थे, जब जापानी आर्मी के साथ उनकी लड़ाई हुई थी तो 9 गोलियां उनको लगी थी, तब भी वो सर्वाइव कर गए। हैट्स ऑफ है ऐसे हीरो को। और बाकी चीजें हमें मूवी में देखने को मिलेगा डिटेलिंग में कि और क्या क्या हुआ था। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनने में। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में।